हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। आज बहुत दिनों बाद हम दोनों ने व्लॉग शुरू कराया, वरना नए शुरू कर रही थी। और क्या बोलना था? हाँ गाइस, गाइस आप सबको रमजान मुबारक। गाइस अल्लाह मियां आप सबके और हमारी सारी दुआएं कबूल करें अल्लाह मियां। और गाइस अभी बज रहे हैं रात के 4:30। क्यों चार दस पे ब्लॉग क्यों बनाए? क्योंकि हमारे आज है पहले सहरी। गाइस हमने ऐना को बहुत मुश्किल से उठाया, ना उठ ही नहीं रही थी सहरी बनाने के लिए, क्योंकि एज यू नो आप ऐना का ही सहरी का काम है। और गाइस ये जो चुन चुन के बाद आते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ चुन चुन के बाद कहाँ से आ रही है। देखिए सुनिए गाइस, चुन आ रही है ना गाइस। अभी आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ से आ रही है। गाइज हमारी आयरा के घर में, जो यानी उनका असली घर है आयरा का, उसमें उनके पास झूला है, पर अनुआप यहाँ पर झूला नहीं ला पाए, इसलिए आयरा को झूले की ही आदत है। तो ये चुन चुन की आवाज़ यहाँ से आ रही है, और ये हमारी आयरा यहाँ पे सो रही है। अब गाइज हम आपको दिखाते हैं, और वो मम्मी हमारी नमाज पढ़ रही हैं। ये हमारे गाइज हमारे थोड़े गाइज यहाँ पे थोड़े बिस्तर फैले हुए हमारे, और हमारे हमजा भाई भी सो रहे हैं। ये हमारे हमजा भाई सो रहे हैं। हमजा भाई ने बोला था आधे घंटे में उठा देना, पर मेरा एक घंटा हो गया, मैंने अभी तक इन्हें उठाया नहीं बेचारे बच्चे का। हाँ गाइज, गाइज हमजा का कल पेपर है, और ये ना को देखिए है ना, ये गाइज इन्हें अभी अभी हमने सो के उठाया, और बेचारे सो के उठते ही रोटियाँ बनाने लगी। क्या बना रही है ना सहरी में? आलू के पराठे। हो वाओ, ओ वाओ, चाय, रोटी और चाय। नमाज पढ़ो, सफाई करो, सो जाओ। गाइस हमजा की नींद ना बहुत ज्यादा पक्की है, हद से ज्यादा पक्की है। गाइस पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ एक्सेंट में, पर पता नहीं मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। तो गाइस वो मैं हमजा को उठाते, क्योंकि हमजा ने बोला था हमजा को उठाना है एक घंटा आधे घंटे बाद, पर उन्होंने हमें दो घंटे होगा, हम दोनों उठाए नहीं। हमजा दो घंटे हो गए, आपने जब आधा घंटा बोला था। 4:30 बज रहे हैं अभी तक, ब्लॉग चल रहा है। एक बार बिना में हाय बोल दे। हाय तो बोलो गाइस। हम दवाई कहते हैं, गाइस हम दवाई कहते हैं, मुझे ब्लॉग में लेते ही नहीं है भाई। गाइस अब शायद हम आपको पूरे 30 दिन ब्लॉग बनाते कह रहे हैं, या फिर हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारे हम सब ब्लॉग हो पाए उतने ब्लॉग बनाएंगे। गाइस देखिए डबल चिन, और हम आपको अपनी मस्तियाँ दिखाएंगे। दिखा गाइस अब जब सहरी का दस्तखान लगेगा, हम आपको जब मिलते और आपको दिखाते हैं क्या क्या, और हम पापा को भी उठाएंगे उस टाइम। रिफा घर से हुआ, थोड़ा सा बेचारी काम करेंगे। गाइस ऐना ने हमारे साथ धोखा करा है, ऐना आलू के पराठे बना ही नहीं रही, जो इन्होंने हमसे झूठ बोला। तो है ना हमारे लिए भी एक आधा बना दो, आलू आप जैसी हो रही है तो थोड़ा आलू को संभाल के रखें। गाइस मैंने सोचा है मैं रमजान थोड़ा कम कम इसलिए मैं बस आलू के पराठे। नहीं पहला दिन है गाइस, पहला दिन तो रोटी खाना, पहला दिन तो खाना चाहिए ना गाइस। पहला दिन कैसे छूटेगा, तीसरे दिन कुछ छूट सकता है, बहुत जरूरी है खाना। पहले दिन तो गलती करी, पहले दिन आपको आलू के पराठे खिला दूंगी। हाँ जी गाइस ऐना आ चुके हैं, और ऐना का ही काम होता है सबको चाय पलटने का। और ये देखिए पहली बार देखा होगा दुपट्टे में इनको तो आपने, और इन्हें तो देखिए शरीफ औरत। पहली बार दुपट्टे में देखा होगा सर पर, पहली बार सर पर दुपट्टा देखा होगा गाइस इन दोनों के। आपने गाइस दस्तखान लग चुका है, पराठे नहीं बने, पर अनुआपे ने आलू का भरता बनाया था शाम में, नहीं शाम में नहीं रात के 1:30 बजे। तो ये भरता है जिससे मैं रोटी खाऊंगी, और ये हमजा को उठा दिया है हमने बहुत मुश्किलों से, और ये है ब्रेड जैम, और ये क्या है खोलो इसे गाइस, ये चावल, वो है दाल, ये है जैम, ये गाइस ये क्या है ये बताइए, नहीं बता पाए मैं बता दूँ, शलजम का अचार। गाइस हमारी मम्मी शलजम का अचार खुद बनाती हैं,
और ये मिर्चों का अचार भी मम्मी ने खुद ही बनाया है, और आम का भी है, वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, पर आम का अचार हम बाहर से लाते हैं, मम्मी ने नहीं बनाया था। अब हम खाना खा लें अब हम चहरी खा लें, फिर हम आपको बताएं। और गाइज ये देखिए गाइज, मम्मी ने ना मक्खन मंगाया था, तो ये सब कचूमड़ बना देते हैं, ये नाइफ मार मार के उसे ख़राब कर देते हैं। तो हमने बताऊँ क्या करा हमने, क्या मैंने करा, आइज ये देखिए मैंने अलग अलग छोटे छोटे डब्बों में कर दिया, और सबसे पहले ये वाला डब्बा खुलेगा, वाला डब्बा खुले। अरे वो खुला हुआ है, उसमें मैंने एक्स्ट्रा भर दिया था गाइज, ऐसे मैंने सब में मक्खन भर दिया। मुझे भी डंकी मूवी की याद आ रही है। डंकी क्यों पता नहीं दिमाग से एकदम गाइज, ये हमने मक्खन भर दिया सब में, अच्छा लग रहा है गाइज। और गाइज ये पूरी टिक्किया निकल जाएगी देखिए गाइज, और ये इसमें डल भी जाएगी, और पर ये जम रही है, तो ये आप जैम पे ब्रेड पे कैसे लगाओगे गाइज। अब हम नाश्ता कह रही हूँ गाइज, नाश्ता याद आया जा रहा है, सहरी कर लें, फिर हम आपको मिलते हैं नमाज के टाइम। गाइज ये पागल हो गई, पागल गाइज, हमारे घर में सबका रोजा है, एक को छोड़ गए जो हमारे सामने ही रोजदारों के सामने पीते नहीं है, ना खाते हैं कुछ, आया समझ, मैंने ये कहा था कितने बजे आएंगी तुम, बिल्कुल ही बगैरत हो रही हो, रोजदारों की शर्म ही नहीं है बिल्कुल ही, भ्रष्टाचारी धार है, शर्म है रोजदारों की नहीं है बिल्कुल शर्म नहीं है, रोजदारों के सामने खाई जा रही है। कैमरा साफ कर ले रोजदार पहले आप अपने। सो हेलो गाइज, हम उठ चुके हैं, यानी उठ तो बहुत देर पहले गए थे, सफाई भी कर ली मैंने, हम उठे थे गाइज, बताऊँ कितने बजे, झूठ बोलो सच बोलो, सच बोलो तो ना मेरा रोज़ो मुकुर हो जाएगा, हम उठे थे 1 बजे गाइज, तो गाइज 6 बजे सो गए, 1 बजे ही तो उठेंगे क्या, 9 बजे उठ जाएँ क्या। और गाइज ऐना उठी थोड़ी लेट, ऐना बहुत लेट उठी, ऐना कितने बजे उठी, 2:30 बजे झूठे गाइज, इन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी और इन्होंने वापस सो गई, फिर इन्होंने उठी 3 बजे, और अब बज रहे हैं 5:30, और इन्होंने आधे से ज़्यादा तैयार भी कर चुकी हैं रोज़े की, बस थोड़ी सी बची है रोज़े की, मतलब इफ्तार की, रोज़ा तो हो रहा है ना, रोज़ा तो चल रहा है, इफ्तार की तैयारी हो रही है। गाइज मेरी शक्ल पर थोड़े से निशान हो रहे हैं उसे, हाँ तो इफ्तारी तो बोला है, तो गाइज मेरी शक्ल के थोड़े निशानों को इग्नोर करें और छुपा लो थोड़ा सा, तो गाइज मेरे बाल भी निकल गए थोड़े बाहर, और मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्हें से पूछते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया है। सो ऐना आपने क्या क्या बनाया हमें आप ज़रा इंट्रोडक्शन दें। फ्रूट्स काट दिए, वाटरमेलन काट दिया, ये प्याज और पालक की थोड़ी सी फ्राई करने के लिए पकौड़ी बना दी, अब ये मंता सुजले बनेगी गोल वाली पकौड़ी, और ये लंबी वाली भी मंता सुजले बनेगी। गाइज कल मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाएगा, पर ये गोल पकौड़ी या लंबी पकौड़ी मेरे लिए बनाने, देख रहे हो गाइज, यानी जो खुद को खाने का मन है उसमें मेरा नाम लगा दो, और जो खुद को खाने का मन नहीं हो वो बनाओ ही ना, और छोले और क्या कहते हैं वो क्या होती है ये कचरी पहले प्याज मैंने इसलिए काटी क्योंकि मैं इसमें छोले भून लूंगी। अच्छा कौन सी प्याज, अच्छा ये प्याज काटी है इन्होंने ये छोले भूनने के लिए, वहाँ पर रखे हैं हमारे फ्रूट्स, और यहाँ पर चटनी और खजूर और मैं, और गाइस अंदर हो रहा है काम, रमजानों के पहले सफाई नहीं हो पाई क्योंकि अन्ना पे आई थी, पर रमजानों में सफाई हो रही है क्योंकि अन्ना पे आई हुई, अन्ना पे सफाई कराने में मम्मी की हेल्प करा रही है। ये हमारी चूड़ियाँ हैं, ये गाइस मैंने कराया थोड़ा सा काम, ये गाइस चूड़ियाँ अलग अलग हो रही हैं, और वो सारा हमारा मेकअप का सामान अलग अलग हो गया, कल हमारी अलमारी सही हुई थी और आज ये हो रहा है, और रिफा बैठी हुई है आयरा को लेकर, ये रिफा हिजाब सब पहन रखा है। गाइज दस्तखान लग चुका है जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है माशाल्लाह से, ये बैठ चुकी हैं, ये हजम नहीं हो रहा पूरे टाइम हिजाब, ये सिर्फ सिपारा पढ़ते हुए और नमाज पढ़ते हुए पट्टा पहनती है ना, बाल बहुत अजीब हो रहा है, और जो फट रहा है गले में था। गाइज हम सभी स्कूल से आ चुके हैं और अब अपना कुर्ता पजामा प्रेस कर लो, पैंट शर्ट पहले रोजा हम सब कुर्ता पजामा पहन लो, कल तो पहना था कल गाइस कल ना रोजा ना रमजान, कल कुर्ता पजामा पहन लिया,
चांद रहती रात को होती है चांद रात को, तो रात को ही पहना था उन्होंने कहा दिन में पहना था गई मम्मा भी आ चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह कर आए आए और हो जाएगी अल्लाह करेंगे। गाइस ये लोग दुआ मांग रहे हैं, इफ्तारी करो, इतनी बुरी हालत हो रही है बच्ची की, उसको बिठा लिया है इफ्तारी में कटोरी। गाइस नीचे से इफ्तार आई है जिसके अंदर हमारे लिए ब्रेड पकौड़ा है जो कि पहले इन लोगों ने आधा आधे छीन लिए, आधा इन्होंने आधा रिफन है झूठ वाले, और बाकी चीजें हमें छोले तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, वेरी मजा आएगा खाने में। गाइस गाइस बहुत ही मजे 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 कर रही है, दुआ नहीं मांग रही, दुआ मांग रही है। गाइज हमने रोजा खोल लिया और मैं अच्छी लग रही हूँ, गाइज हमने भी खोल लिया। गाइज इन्होंने रोजा नहीं खोला, गाइज इन्होंने क्या खोला है, पकौड़ियों का पहाड़ खोला है। गाइज इन्होंने जो है अपने आगे तीनों ट्रे रख ली खाने का पकौड़ियों की, गाइज वो घोपर 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 घोपर, गाइज हिजाब तक उतार दिया, ऐसी एक्साइटमेंट वजू करके आई हूं। गाइज चुप हो जाओ, गाइज से बात करने दो थोड़ी, मैंने कल रात से गाइज आपसे बात करनी है, गाइज तो मैं आ गई थोड़ा सा। गाइज मैं ये कह रही थी गाइज जब पहले पकौड़े खाओ फिर हिजाब सही होगा जाओ। हाँ तो गाइज मैं पूरे दिन से भूखी थी तो खाऊ ना, तो रोजा भूखे रहने के लिए ही होता है, तो खाने के लिए भी तो होता है। लड्डू से निकल जाते हैं, मेरे देखिए कितना प्रॉपर हिजाब लग रहा है इन दोनों का, देखिए आलू 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 का चालू बेटा कहाँ गए, चल यहाँ से काले काले दिखाई जा रही है। अरे एक सेकंड हो गया, गाइस हमने इफ्तार कर लिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार इतना ज्यादा टेस्टी बना था, अपनी तारीफ खुद कर रही है गाइस। गाइस मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नॉर्मल डेज में इतना मजा नहीं आता आलू पकौड़े, वो पकौड़े कह रही हूँ फ्रूट चाट खाने में, मगर इफ्तार मत हंसाओ ना, मगर इफ्तार में गाइस इतना ज्यादा टेस्टी लगता है सब कुछ, और गाइस बहुत टेस्टी, गाइज इतना ज्यादा अच्छा बना हुआ था सब कुछ इफ्तार में, बहुत ज्यादा मजा आया। पीछे से मम्मा मुझे नरेट करना चाह रही है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मगर गाइज मैं दिल से बोलूंगी जो मुझे बोलना चाहिए, जो मेरे को बोलना आ रहा है। गाइज बने लेकिन बोले नहीं, वाओ नाइस छोले। गाइज देखिए मेरे को कोल्ड हो रहा है, गाइज मैंने शहरी में दवाई खाई थी कोल्ड की, और मैं सुबह बोली तो मम्मी कह रही क्या है कैसे बोल रही है। गाइज ये इन्हें ना बिल्कुल तकलीफ अपने कोई वो नहीं है, बच्चों की अपने नजल हो रहा है, इवन ले में बोल लिया हल्का सारा है, तो फिर ऐसे गाइज बेइज्जती कर देती है। तो गाइज अब हमने जो है इफ्तार कर लिया है और सब नमाज पढ़ने खड़े हो गए हैं, तो मैं भी अब नमाज पढ़ने जा रही हूँ। गाइज अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। गाइज रमजानों में तो हम नॉर्मली नमाज पढ़ते ही, मतलब पांचों टाइम की पढ़ते हैं, बट नॉर्मल डेज में हम नहीं पढ़ते गाइज, मतलब ये सच बोल रही हूँ मैं, ऐसे कसदन जैसे रमजानों में पढ़ते हैं ऐसे नॉर्मल डेज में नहीं पढ़ते, तो अल्लाह मियां हमें हिदायत दे कि हम नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही नमाजें पढ़े। गाइज अब दस्तरखान उठ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया था। गाइज अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आप भी नमाजें पढ़िए और फिर हम करेंगे रात के खाने की तैयारी, फिर खाने के बाद करेंगे हम सहरी की तैयारी। सो अभी मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर हम आज के व्लॉग को ख़त्म कर देंगे, फिर हम सेकंड डे का व्लॉग शुरू करेंगे गाइज, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, आप भी पढ़ लें। गाइज ये हमारी बेबी एक दो दिन में जाने वाली है, रुक जाओ गाइस थोड़ा जमा करो, ये हमारी बेबी जाने वाली है एक दो दिन में, तो इनसे कोई मिलना है, कौन मिलना है मैं आपको दिखाती हूँ, चलो हम उधर चलते हैं। गाइस ये कपड़े तय हो रहे हैं, हमारे घर में काम चल रहा है इसलिए थोड़ा फैलाव हो रहा है। गाइस मिलने आए हैं ये भाई मिलने आए हैं, हाय बोलो गाइस का, बैडमिंटन आ जाएंगे गाइस को, हाय बोलो। और गाइस गाइस ये मिलने आए हैं, हाय बोलो गाइस को, फ्रैंक किस दे दो ठीक से दो। हाँ गाइस ये अपनी बहन से मिलना है क्योंकि हमारी इनकी बहन जाने वाली है एक दो दिन में, जाने वाली है एक दो दिन में, जाने वाली है बिल्कुल ही जाने वाली है, फिर थोड़े दिन बाद आएगी हमारी बहन। किससे मिलना आए हो आप, आए तो से मिलना आए हो, क्यों दूध दे रहा है, रुको अच्छा बाय आ रहा जा रही है। गाइस अभी नहीं जा रही है, एक दो दिन में जाएगी, कल जा रही है गाइस, घुमाना घुमाना मुझे देखो। गाइज हमारी आयरा कल जा रही है। गाइज सारे कपड़े फैले हुए हैं, इन्हें थोड़ा इग्नोर करें, ये हमजा भी अभी तराबी पड़ गया है।
गाइज सब ना सो गए थे। क्यों सो गए थे? हाँ यानी जब मैं ट्यूशन से आई तो ये सब सो गए थे। जिद्दू भी जिद्दू बाहर खेलने चला गया था। इज्जू सब सो गए थे और अब आप ही के जाने का टाइम आ गया तो इसे देखिए। चलो अब आ गए, चलो अब आ गए, चलो चलो जल्दी आओ। नहीं जाएगा अब्बा अब्बा चलो तो चलो अब्बा आगे चलो चलो अब्बा आगे चलो 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 चलो। नहीं जाना आपको, नहीं जाना, इधर ही आ जाओ। नहीं जाना उसे बोल दो, नहीं जाना। जा बीजान के पास, चलिए बीजान के पास, भाग के जा बीजान के पास। क्यों नहीं जाना आपको, क्यों नहीं जाना? यहाँ चलो आरा बिठाएगी अपने घर, तुम भी चलो। नहीं इसको मैं घर जाऊं, अभी उसे अपने पड़ी है। कैसे लेके जाऊं? चल घर। कैसे छोड़ो? हमजा को बुला, चलो मैं भी चलने लगा। चल भाई चलो नीचे तो उतरो, जाओ मेरा दुपट्टा तो दो। थैंक यू, चलिए चलो। गाइस भी जानना बोल दिए कि वो भी जाएंगे। गाइस देख लीजिए अब भी नहीं जा रहे हैं। बीजान नहीं जा रही, इजू इजू बीजान नहीं जा रही, अकेले लेके जा रही हूँ आपको, अकेले लेके जा रही हूँ आपको, कोई नहीं जा रहा आपके साथ। नहीं जा रही एना भी नहीं जा रही, कहाँ जा रहे हो आप? चोपे कहाँ से लेने? बाहर जाओगे? इसके पास अम्मा के साथ जाओगे? आया उसके घर जा रहे हो? चलो जाओ, चलो मैं पीछे से आ रही हूँ, आप जाओ ठीक है? चलो बाय बाय कर दो व्लॉग में, बाय बाय। फ्लाइंग किस तो दे दो हमसा, बाय बाय। मैं अपने घर जाऊं, हाँ यहाँ जाओ। ये जो बिगड़ रही है ना, ये जो गोद में लेके बिगड़ रही है, ये किसी को बिगाड़ दी। उतर जाओ प्लीज ना, उतर जाओ ना। चलो मम्मा के साथ तो जाओ, चलो अब चलो, चलो आप मम्मा के साथ चले जाओ। अच्छा चलो मैं चलू, चलो चलो जल्दी से आती है। चलो चलो बैठो, इसे दे दे, इसे दे दे। इजी एना कल आएगी घर तू? हाँ मैं आगे बैठूंगी, आगे बैठूंगी मैं, आगे आगे बैठूंगी। हाँ मैं आगे बैठ रही हूँ, मैं बच्चे रोंदी आ रही हूँ मैं। चलो मैं आगे बैठ रही हूँ, चलो हाँ चलो चलो अब नानी आओ, चलने आ जाओ। हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। लो 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 ऊन तो लो, लो ऊन ले लो, ऊन चलेगा ना बेटा। बाय कर दो, बाय सुनी, बाय बाय कर दो। चलो बाय कर दो, ना को बाय ना आना आओ है ना।
बाय ना आ रही है, बाय कर दो। आजू लो हैंडशेक तो कर लो। चलो ठीक है बाय जाओ। चलो चलो जी चलो। एनर्जन एनर्जन बाय। सो गाइस पहला रोजा हो चुका है कंप्लीट और आज का रोज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत सुकून वाला रहा और बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा दिन गुजरा। रोज़ा कुछ बिल्कुल पता नहीं लगा। गाइस इतना अच्छा मौसम है रमज़ानों में, मार्च है, मिड मार्च है, बट फिर भी अल्लाह मियां ने इतना प्यारा मौसम कर रखा है रमज़ानों के लिए। और गाइस आज का हमारा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है। आज का रोज़ा बहुत ज़्यादा आसानी से गुजरा, हमें बिल्कुल भी रोज़ा का पता नहीं लगा। सो अल्लाह मियां ने जैसे आज का रोज़ा गुजरवाया गाइस ऐसे ही सारे गुजर जाएंगे। बस जिस दिन कॉलेज जाऊँगी ना गाइस उसी दिन थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो जाएंगी। गाइस 14 को जाऊँगी, मुझे भी 14 को जाना है गाइस, परसों जाना है गाइस कॉलेज, हम साथ साथ जाएंगे। चल ली मैं तो नहीं जाने की आपके साथ, मिस्त्री करते हैं अरे साथ साथ, मतलब आईटी मैं आपको साथ में लेके जाती हूँ। हाँ जैसे so guys, हमारा पहला रोजा पूरा हो चुका है और अब हम इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं एंड। अब हम आपसे मिलेंगे कल दूसरे रोजे के साथ। सो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और गाइस तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइस।